फाइनली दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये रही गाड़ी जो है रिपेयरिंग हो रही है। ये देख सकते हो आप हमारी गाड़ी जो है ख़राब हुआ है, वो रिपेयरिंग चल रही है और आधा घंटा लगेगा। तो चलिए ड्राइवर साहब से पूछते हैं और कितना टाइम लग जाएगा। घंटा लगेगा, एक घंटा और बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो और कितना टाइम तक रुकना पड़ेगा हम लोग को। तो दोस्तों हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो देखिए हम लोग कहाँ रुके हैं, ये आश्रम में हम लोग जा रहे हैं ठहरने के लिए और गाड़ी वहाँ पे दिए हैं रिपेयरिंग के लिए। तो चलिए पूरा अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। अच्छी जो है वो आगे आगे चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे है छोटी, फूलों को देख रही है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं, ये है गुंजन और ये है कुनिका, ये देख सकते हो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। डोंगरगढ़ जाने के नाम पे बहुत खुश दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं मस्त आराम से, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। और ये मीनाक्षी क्या खा रही है ये देख सकते हो आप। तो हमारी गाड़ी जो है ख़राब हो चुकी, आपको तो आगे के वीडियो में पता ही होगा कि किस लिए हम यहाँ पर रुके हैं। तो सभी लोग बैठे हैं, हमारी सबसे पहले मिली है माता जी से, ये है हमारी माता। ये है बड़ी दीदी और ये छोटी दीदी और ये है हमारी बुआ जी। नहीं बाय। तो हम लोग सभी आए हैं डोंगरगढ़ जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई तो अभी हम लोग रुके हैं। और वो बोलते हैं ना कि माता जी की कृपा होती है, काफ़ी दुख है और हम लोगों में से कुछ लोगों का फास्ट है, उपवास है। तो देखो ना एकदम सडनली गाड़ी कहाँ पर बंद हुआ, एक आश्रम है तो वहाँ पर कबीर धाम का आश्रम और वहीं पर गाड़ी बंद हो गया और धूप काफ़ी है तो हमको थोड़ी रेस्ट करने को मिल गई, काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो। मैं बताऊँ फॉर एग्जांपल मतलब वो ये ना महल से कम नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिखना। सोच रहे होंगे कि आश्रम में हम खा रहे हैं खाना है ना, तो आप सभी को लग रहा होगा कि हम लोग साथ अगर मतलब डोंगरगढ़ जा रहे हैं तो हम लोग लाए होंगे टिफिन वगैरह, तो ठीक है ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो साहेब जी बैठे हैं ना, ये इन्होंने बोले कि आप लोग दूर से आए हैं तो अगर खाना है हमारे पास तो आप खा सकते हो, तो उन्होंने हम लोगों को खाने के लिए कहा। तो ये हम सब खा, ये लोग सब खा रहे थे पानी में। तो कैसी है सर, खाना अच्छा है? तो थैंक यू साहेब जी हम लोगों को खाना दिए तो धन्यवाद। सही है, गुड वेरी गुड। तो फाइनली दोस्तों आफ्टर खाने के बाद देखिए यहाँ पे बर्तन साफ कर रही है मीनाक्षी, आप लोग देख सकते हो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, बहुत अच्छे से बर्तन धो रही है। और ये कोनिका पीछे खड़ी होकर देख रही है, सीख रही है, कुछ सीख ले रही है अपने चाची से। अपने बुआ से भी सीख ले रही है। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय, ये देख सकते हो यहाँ पे इधर बच्चे लोग भी हैं। और तो दोस्तों वो दिख रही है गाड़ी हमारी रिपेयर हो रही है, जो ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है गाड़ी में, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे रिपेयर हो रही है गाड़ी। बस इवन टाइम
तो दोस्तों गाड़ी अभी तक नहीं बना है और हम लोग यहाँ पे आए हैं देखिए घूमने के लिए। चौक साइड आए हैं, चौक में खड़े हैं हम लोग। ये कनिष्का भी है, कनिष्का क्या खा रही है? कनिष्का मिर्ची भजिया खा रही है कनिष्का। गर्मी के कारण मुझे बाल को लगाना पड़ा क्लच। आप ही गर्मी गाइस, यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 5:30 5:30 समथिंग होने वाला है और अभी हम लोग अभी धमधा में ही अभी फंसे हुए हैं गाड़ी ख़राब होने की वजह से। दोस्तों हमारी नाइट का खाना यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे बन रही है टमाटर चटनी। ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। मिर्ची इतना नहीं होए, कम मिर्ची लेके जा। हाँ दीदी रुपए बता दे और कम। हाँ ये पानी गर्म हो। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मीनाक्षी बना रही है खाना। मैं आश्रम में खाना बना रही हूँ हम लोगों के लिए भी और यहाँ पर जो साहिब जी है वहाँ उन लोगों के लिए। तो ये दाल है और ये चावल है, चावल मतलब ये पानी गर्म हो रहा है फिर मैं चावल डालूंगी, उसके बाद मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो इन्होंने बोले कि बना देना तो मैं बना रही हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कट रही है टमाटर और यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे डुक्कू बैठे हुए हैं और ये रहा यहाँ का पूरा दृश्य, नाइट का दृश्य है। कौन सा प्रोसेस? ये चावल दाल पक गया है जी। ये समझ लो तो मुझे लाला खा लो ना। तो देना तो टमाटर का चटनी बन रहा है और यहाँ पे ये देखिए इनके साथ छोटी भी है। छोटी मैं गई थी सब सारे सब वो आंटी ने गए हैं तो भी जी के तो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस चलिए ऑडियंस से पूछते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो छोटी बताएगी कैसा लग रहा है यहाँ पे ठहर कर। हाँ अच्छा। तो कैमरे में बताइए कैसा लग रहा है। तो आप मुझे बहुत पसंद करते हो ना। हाँ मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ भी हाँ चार से खिलाऊंगी तो कुछ भी खा सकते हो? नहीं बाबा कुछ भी नहीं, कुछ भी मत खाने का ही चीज खिलाऊंगी। मिर्ची खिला दोगे तो? नहीं मिर्ची हाँ चलो आपको लग रहा है मिर्ची, लेकिन मिर्ची के अगर मैं नहीं दूसरा चीज भी खिला सकती हूँ जरूरी थोड़ी। चलो ठीक है ये हल्दी खिलाऊंगी मैं आपको। ठीक है थोड़ा सा लूंगा ज्यादा नहीं, ऐसे भी एंटीबायोटिक के काम करते हैं। फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, मस्त आराम से खाना बन गई है, अब खाना खाएंगे हम लोग। देख सकते हो मस्त आंगन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है, ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड का भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो और ये मेरे पीछे आ गई कनिष्का। कहाँ गई थी कनिष्का? दोस्तों यहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। ये है अपना कबीर साहेब आश्रम में हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो इधर भी बैठे हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा खाना हो चुका है, सब लोग खाना खा लिए हैं और ये देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।